की। जय हो। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। जो शहीद परिवार आए हुए हैं उनसे आग्रह है कि उनको पावन मंच पे बुलाया जाए। क्योंकि सबसे पहले आज हम आप सभी बागेश्वर धाम परिवार मिलकर के गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसके बाद ऐसे शहीद परिवार जिन्होंने भारत के बेटों ने अपना बलिदान देश के लिए दिया है, ऐसे परिवार आज हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार तालियों से परिवार शहीद परिवार का हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर महाराज आचार्य जी विराजमान हैं। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आग्रह है कि आप भी प्लीज आ जाएं। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे परिवार हमारे बीच आज मौजूद हैं। दिल दिया है और जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आओ झुक करके प्रणाम करें उन्हें, आओ झुक करके प्रणाम करें उन्हें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। तो शहीद परिवार को हम पुनः उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन्होंने अपने परिवार का अपना खून देश के काम उनका आया है, उनसे आग्रह करेंगे कि उन परिवार को आप पावन मंच पर लेकर आए। और सर्वप्रथम शहीद परिवार और देश के जवानों की आरती के बाद ध्वजा रोहण का हम आप सभी एक साथ ध्वजारोहण के बाद हमारे भारत का हम सबका राष्ट्रगान जो है प्रारंभ होगा। सभी खड़े रहेंगे अपने स्थान पर, सभी खड़े हो जाएंगे। मातरम वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री 108 श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज जी के चरणों में आग्रह है कि आप भी पधारे आए और सभी लोग खड़े हो जाएं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में आग्रह है, पूजाचार्य श्री सुवेश जी महाराज जी आपसे आग्रह है कि आप भी। जय जय श्री राम। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से विनम्र आग्रह है आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक शाम शहीदों के नाम। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर एक्स आर्मी और शहीद परिवार और साथ में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के साथ हम आप सभी मिलकर के आज का 2024 का गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। और सभी लोग खड़े हो जाएं, आपसे विनम्र आग्रह है। जय मन मन अभिनय जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंह गुजरात मराठा
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम। अब हम आमंत्रित करते हैं जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है, हमारे एक्स आदमी से ही आदरणीय श्री अमिताभ द्विवेदी से आग्रह है कि आगे की जो रूपरेखा है क्रमशः हम आगे कार्यक्रम को आगे ले चले। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करें। मैं सभी एक्स आर्मी के साथियों से अनुरोध करूंगा कि वे सब भी अपना अपना स्थान ले लें। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज जो कार्यक्रम है मैं उसकी रूपरेखा आप सबको जानकारी यह प्रदान कर दूं कि देश के लिए जिन शहीदों ने अपने जान दिए हैं, जिन शहीदों ने देश पर अपनी जान निछावर करी है, आज हम सब मिलकर उनके परिजनों का, उनके परिवार के सदस्यों का यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए, अनुशासन के लिए अपनी जान दे दिए। आज बारी है कि हम उसके परिजन का सम्मान करें। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी अनुशासन का परिचय दें, एकता का परिचय दें, अनुशासन का परिचय दें। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, यह वतन की मोहब्बत है, किसी से पूछ कर की नहीं जाती। इसी दिन के लिए वीरों ने अपना लहू बहाया है, झूम उठा देशवासियों को गणतंत्र का दिवस आया है। मैं हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं हनुमान हूँ, ये एक सैनिक की आवाज़ है कि एक सैनिक जब बॉर्डर में खड़े होता है, देश की रक्षा करता है, तो किस ढंग से वो अपनी बात रखते हैं। मैं हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। छाती चीर कर देख लो, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा अपना स्थान ग्रहण करें। जी जी, मैं सबसे पहले सर्वप्रथम आर्मी के जो सदस्य हैं उनके कुछ साथियों से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और हमारे बागेश्वर पीठाधीश के महाराज का स्वागत करें। सर्वप्रथम एक्स आर्मी फाउंडेशन के अखिल भारतीय अध्यक्ष मैं दिनेश मिश्रा जी से अनुरोध करता हूं कि महाराज जी का स्वागत करें।